देखो इन वासनाओं के चक्कर में, वासना में पड़ने वाले आदमी के लिए चार उपमा दी हैं, और ये चार उपमाओं में से आधी से ज्यादा नहीं, सारी ऑलमोस्ट हम लोगों के जीवन में घटित होती हैं। कौन कौन सी उपमा दी पता है? बताएं, कुत्ते की, सुअर की, ऊंट की और गधे की। कुत्ते की, सुअर की, ऊंट की और गधे की, ये चार उपमा दी है। कुत्ते की विशेषता क्या है बताओ? है एक बहुत बड़ी विशेषता है कुत्ते की, पूछो कौन सी? वो बात बात पे लड़ता है, वो अपनों से लड़ता है, रोटी के एक टुकड़े के पीछे लड़ता है। इतना ही नहीं, उसकी गली में वो उसी की जाति का कोई व्यक्ति आ जाए तो गुर्राता है, लड़ता है। कोई बात नहीं है तो भी उसकी बगल में से कोई निकल जिसे वो जानता भी नहीं है, वो जानता भी नहीं, उसे मतलब भी नहीं है, उससे पहले कभी देखा ही नहीं, फिर खड़े होके आंखें दिखाएगा, गुर्राएगा, वो कौन है तू? हाँ या ना, जवाब दो। वही गुण हम में भी है। कौन कौन कह सकता है हम घर वालों से नहीं लड़ते? कौन कह सकता है हमें क्रोध नहीं आता, हम बेवजह नहीं लड़ते? वजह से भी लड़ते तो लड़ते तो हैं, लड़ते कि नहीं? छोटी छोटी बातों पर हम बेवजह लड़ते हैं, अपनों को ही गालियां देते रहते हैं बेवजह, बेवजह एक दूसरे के ऊपर हम लोग गालियां देते हैं। कुत्ता यही सब तो करता है, और क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ते रहना, विषयों में पड़े रहना, जैसे उसे हड्डी पसंद है वो हड्डी मिल जाए, अपना ही खून से, अपना ही खून समझ, सूखी हड्डी। कुत्ते की एक बात बता, सुनो ध्यान से, सूखी हड्डी उसे कहीं मिल जाए अपने मुंह में चबाता रहता, अपने मुंह से, तो उसको चबाने से, हड्डी चुभने से उसी के मुंह से खून निकलता है, और अपने ही खून को वो पीता है, और वो समझता है इस हड्डी को चबा रहा हूं इसमें से खून निकल रहा है, और वो बड़ा खुश हो जाता है, उसे अपना ही खून पी के कुत्ता खुश होता है। अब आप कह रहे हम में ये गुण कहां से है? जितने सुख भोगे हैं तुमने, उम्र तुम्हारी उनमें सब में बीती है। वो अपना खून पी रहे थे कुत्ते, और तुम अपना जीवन पी रहे हो। जितना रोटी रोटी खाते खाते, पार्टी पार्टी करते करते, जुआ जुआ खेलते खेलते, इधर उधर आ आ ऊं कर करा के जितना भी टाइम निकाला आपने, वो जीवन आपका था, वो उपासना का था, आपने वासना में बर्बाद कर दिया। कुत्ते ने अपना ही खून पिया, हमने अपना जीवन खत्म कर दिया इन्हीं वासनाओं में। हाँ या ना, जवाब दो। तो बात बात पे लड़ते हैं, वो कुत्ते जैसा व्यवहार। दूसरा, यहां पर लिखा है बिटरवाराहा। बिटरवारा मीन्स ग्रामीण सुअर, ग्रामीण सुअर, ग्रामीण सुअर का इसका मतलब है। दूसरी उपमा इसका लक्ष्य बन गया है कि उल्टा सीधा, उल्टा सीधा जैसा भी मिले हड़प लो, जहां से भी मिले, जब भी मिले खा जाओ। वो बारा को देखो, गांव में जो भी मिल जाए उल्टा सीधा, बार सूकर भ्रष्टा तक खाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो मिल जाए वो खा जाओ, वो इसके भाव है। और देखो ये तृष्णा न जाने कितना बड़ा पेट है, ये तृष्णा कभी शांत होती ही नहीं। चैन की रोटी दो मिल जाए उसी में पेट भर जाता है, पर तृष्णा की हजारों रोटी खाने की सपने कल्पना करता रहता है, सोते सोते भी पेट नहीं भरता। पहले लोग, मैंने कल भी कहा था, इसलिए डरते थे कि कहीं किसी का दो नंबर का पैसा ना आ जाए मेरे पास, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। आज रात दिन व्यक्ति ऐसे लगे रहते कुछ भी कर पर पैसा आना चाहिए। बताओ तो सही क्या? अरे मैंने सुना है मुंबई में लोग पैसे के लिए लोगों को मार देते हैं, मुंबई में क्यों, तो हर जगह ही उनका बिजनेस है, तुम हमको पैसे दो मार देंगे। अरे भाई तुम जिसको मार रहे हो उसको जानते भी हो?
आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं, तुम बताओ किसी के पैसे दे दो, तुम कहो तो हम अच्छाई फैला दे, तुम कहो तो हम बुराई फैला दे, सिर्फ पैसा दो, तुम बताओ तो सही हमें करना क्या है, हम वो करेंगे जो तुम कहोगे, तुम वो करो जो हम चाहते हैं, पैसा दे दो। पहले लोग डरते थे, अब डरते हैं और फिर कहते हैं महाराज आनंद नहीं है, शांति नहीं है, ले लो पैसा, सुअर की तरह तो हर चीज बटोरने में लगे हैं हम लोग, कहां से आएगा हमारी शांति मन में। शास्त्र विरुद्ध है, किसी का बुरा करके तुम कितना भी पैसा कमा लो, एक दिन तुम्हारा जितना था ना 100 रुपया वो भी गांठ का जाएगा, उसमें वो लेके जाएगा, तुम्हें सुखी करके नहीं जाएगा, लिख लो इस बात को। दो चार दिन के लिए लंबी गाड़ी आ सकती है तुम्हारे घर में, पर जाएंगे तो वो स्कूटर भी खत्म है, स्कूटर भी नहीं रहे ना वापस, जिसपे तू पहले चैन से चलता था आराम से, वो भी चला जाएगा। अब तीसरी उपमा सुनो, किसकी? ऊंट की। कौन सी उपमा है? एक आध ऊंट तो यहां भी बैठे होंगे। चार पैसे जेब में आ जाए या कोई पद मिल जाए अच्छा सा, MLA बन जाए, MP बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, या 10-20 करोड़ जेब में हो, अकाउंट में आ जाए, कहीं से प्रॉफिट हो जाए। जो ऐसे लोग होते हैं वो फिर किसी के आगे सर नहीं झुकाते, सर नहीं झुकाते संतों के आगे, नहीं। इवन मम्मी, मैंने ऐसे लोगों बड़े अच्छे पैसे वाले, पर मां के भी पैर नहीं छूते। नमस्ते मम्मी, इतना भी कर दे तो बहुत सरल मानो, जो समझो जैसे सील निधि की संतान, पैसा आ जाए तो मम्मी को ऐसे, पापा को नहीं, नाम ना। हाँ, गुड मॉर्निंग मॉम, कैसे हो, ठीक हो? हाँ ओके, अभी मैं जा रहा हूँ तो शाम को आता हूँ, फिर देखता हूँ, दवा वा ले ली उसको, देख लेना। को है तू? मैं होता ना बाकी मम्मी तो दो दे तो भाई गाला खींच के 2300 का अंदर, मैं होता बाकी मम्मी पकड़ के तो गरीबान पकड़े 5 देता हूँ। को है तू? मैं मम्मी हूँ तेरी, पामछी, दंडवत कर, पैसा वारो होगा तू अपनी ऑफिस में, यहाँ तू मेरा छोरा है, दंडवत कर पामछी, काम की बात कर। लेकिन ऊंट है, समझेगा? ऊंट हमेशा यूं चलता, गर्दन ऊंची, झुकता नहीं है, वो नीचे नहीं, घास नीचे रख दो नहीं खाएगा। बमूर पे हरी हरी पत्ती, कांटे वाली पत्ती ऊपर खाएगा, यू करके मुंह, स्वभाव नहीं है झुकना उसका, न संतों के आगे झुकेगा, न मां बाप के आगे झुकेगा, चाहे वो पद का अहंकार हो चाहे पैसे का अहंकार हो, वो झुकेगा नहीं। उसे देखकर ऊंट कहते वाह जी वाह भाई, अद हो गई तेरी तो, ये तो हमारी आदत थी, ऐसे तूने हमसे आज हमारी आदत कैसे चुरा ली, जब तू ऊंट बन जाएगा तो हम क्या बनेंगे, फिर हम इंसान नहीं बन सकते भाई, तू तो ऊंट मत बन, हमें तो ऊंट रहने दे। तीसरी उपमा ऊंट की है, और चौथी उपमा गधे की। काई की? गधे की। बोले गधे का मतलब, हम मतलब समझाएंगे ना, हम बैठे काहे को है, ये सब समझाने के लिए बैठे। यहां जितने लोग बैठे हैं 99% गधे हैं, एक % सच्चे वैष्णवों को छोड़ा है मैंने, 99% गधे। और जब मैं ये पूरा विवरण दूंगा तो आप भी कहेंगे हाँ महाराज बात तो सही, हम सब गधे ही हैं। अच्छा, पहले एग्री कर रहे हो कि बाद में करोगे? पहले ही कर रहे हैं तो फिर ना समझाऊं? हैं, समझाओ जैसे 100% बिलीव हो जाए कि हम गधे। चलो समझा देते, आप सब समझ जाएंगे कि हम गधे। गधे का काम बताओ क्या है? गधे का काम बताओ। जीवन भर अपनी पीठ पर बोझा उठाना, ये गधे का काम है।
और आपने जीवन जितना भी जिया है कर क्या रहे? जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगे रहे, जर्जरित काया हो गई, घर में कोई पूछने वाला भी नहीं, बात करने वाला भी नहीं, खटिया पकड़ लेते हैं फिर भी कहते हैं कि बाबा अभी तो कुछ और काम करने का मन है, पूरा जीवन बुढ़ापा हो गया, सब कुछ परेशान, हड्डी कड्डी जवाब देने लग गई है, गोंटू को ऑपरेशन हो गया फिर भी कह रहे सक्सेसफुल नहीं है महाराज, गोंटू नीज जवाब दे चुकी हैं, बाईपास सर्जरी है चुकी है कई बार, लोकल काम बंद हो गया है, अब शहर में से नहीं बाईपास से जाओ, अब बाईपास सब करवा लिए फिर भी फिर फिट नहीं है, बावजूद इसके किसी ने कहा बाबा भजन करो, अब तो भजन करो न जाने कौन से दिन सीटी बज जाए, अभी तो भजन कर लो, पता नहीं किस दिन स्कूल में छुट्टी हो जाए तुम्हारे नाम की, छुट्टी जानते हो छुट्टी, गांव में रहो गांव में, हाय हाय गांव के बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं गांव में रोज छुट्टी हो, छुट्टी हो जाए, कैसे छुट्टी हो जाए, जब भी गांव में कोई बड़ा बूढ़ा आदमी मर जाए झट प्रिंसिपल साहब छुट्टी कर दें, हाँ या ना भाई, मैं तो गांव में रहा हूं तो मुझे मालूम, जैसे गांव में कोई बड़ा बूढ़ा मर गो बेचारो बताओ छुट्टी हो जाए, अब साहब बालक जो स्कूल जावे थे दुखी है वो यूं ही कहें कि गांव में रोज मरे कोई, अच्छा उन्हें इस बात से मतलब नहीं मरने के बाद क्या होता वो जानते ही नहीं, बच्चे ही हैं उन्हें क्या मतलब क्या होता है, वो तो इस चक्कर में कि कोई मरेगा तो हमें छुट्टी मिलेगी, अब वो क्या जाने बेचारे कि तेरी छुट्टी के चक्कर में तो परमानेंट छुट्टी पे गए हो, ये दो बच्चे थे बड़े शरारती, दो बच्चे बिधौनी में घूम रहे हैं, घूमते भाई अल्लाह चाह, दो बड़े बूढ़े बैठ के आपस में हुक्का पी रहे, हुक्का सर्दी को दिन हुक्का, अरे राम राम सुनो राम, बोले हाँ छुट्टी बैठी है, छुट्टी कौन बैठी है, बोले छुट्टी बैठी है सके कल मिल जाए, वो दूसरे को ना 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 भाई तो कछु दिन लगेंगे इन छुट्टी ने, बोले ना 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 जो ज़्यादा हुक्का पीरों का जल्दी जाएगा, ये छुट्टी बैठी मतलब जिंदे ने छुट्टी बता रहे हूँ दोनों जने कि ये मरेंगे तो हमें छुट्टी मिलेगी, ऐसी दुनिया बताओ, मरने के कगार पे बैठे पर भजन की स्थिति नहीं, अरे बाबा भजन कर, बोले भजन अभी कैसे करें महाराज, नातनी की शादी होनी है, नातनी की शादी हो जाए उसके बाद हमें करना ही क्या है, हमें तो ये भजन ही करना है, पैर काम नहीं कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा है, आंखों से कम दिख रहा है, कानों से कम सुनाई पड़ रहा है, बावजूद इसके मन कहां अटका हुआ है, कहां अटका हुआ है, उसी गधे वाले बोझा पर, ग्रस्त के बोझा पर, मेरी बेटी कोई संतान नहीं हुई, मेरे बेटे का ये नहीं हुआ, मेरे बेटे का बिजनेस सेट नहीं हुआ, मेरा परिवार ऐसे बिखर रहा है, मैं मरने से पहले कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मेरे मरने के बाद परिवार बिखर जाए, अबे तू बिखर रहा है वो नहीं दिख रहा, मरने के बाद परिवार ना बिखर जाए इसकी चिंता है, और तेरे जीवन के 84 लाख क्यों नहीं बिखर रहे ये नहीं दिख रही जीते जी, महाराज चार बच्चे हों और जब शरीर काम ना करे तो चारों बच्चे मुंबई में रह रहे हों, एक एक फ्लैट चारों को मम्मी पापा ने कमा के बना के दे दिया हो, और फिर अलग हो जाएं चारों अलग अलग फ्लैट में, और पापा की एज हो गई हो 75 साल, मम्मी की हो गई 73 साल, दोनों को थोड़ी बीमारी लग गई हो, दवाई का खर्चा 15-20 हज़ार, कौन सा रखेगा बोलो जवाब दो, कौन सा बेटा रखेगा, फ्लैट पापा नहीं खरीदे लेकिन पापा ही किराएदार बन जाता है, फिर चारों भाई कहते हैं अरे भाई हिस्सा तो बराबर बटा है, पापा को मिल बांट के रखा करो, 3 महीने तुम्हारे यहां, 3 महीने तीन तीन रखो, 12 हो गए, हाँ या ना, हाँ या ना, फ्लैट किसके,
पापा के, और रखने की बात किसकी हो रही है, बोले पापा को कौन रखेगा, मम्मी को कौन। एक जन तो कहते थे मम्मी को तो मैं रख सकता हूं, पापा खड़ूस है मैं नहीं रखूं। तो जितने भी पापा खड़ूस है निवेदन है, सबरी प्रॉपर्टी नाम मत करना मरने से पहले, तुम्हें कोई ना रखे। मम्मी को तो चलो फिर भी क्योंकि चाय पानी बना के दे देगी, पापा तो पड़ा पड़ा मांगेगा चाय। इसलिए पापा पप्पू मत बनियो, पापा पप्पू मत बनियो, एक फ्लैट अपने नाम राखियो और कछु जेब में करंट राखियो, जाते बेटा बेटी ना पूछे तो कम से कम एक सर्वेंट राख लियो, बातें कह दियो सब तो ये दे जाऊंगो, बुढ़ापे में ढंग से सेवा कर। पर इतना चमचा होता है एक परिवार का, इतना तगड़ा गधा होता है, चाहे वो जूते मारें ढक्के मारें गाली दें दबाई न दें, बावजूद इसके बेटा ही प्यारा लगता है। जो सेवक प्यार करे सेवा करे वो सेवक प्यारा नहीं लगेगा। शास्त्र ऐसा कहते हैं जो तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा बने उससे अच्छा सुपात्र कोई नहीं, चाहे तुम्हारा सेवक ही क्यों ना। तुम्हारे दसों पुत्रों से ज्यादा अच्छा सुपुत्र है वो सेवक जो निष्काम भाव से तुम्हारी सेवा सकाम भाव से भी कर रहा है, तो सब कुछ उसी को देके जाओ जो तुम्हारे उपयुक्त है। ये मेरा नहीं शास्त्रों का मानना, पर तुम कहाँ मानने वाले हो। हम तो ये कहेंगे अपने लिए एक रखना और भगवान का भजन करना। तो ये चार उपमाएं मानव को दी गई हैं, इसलिए इससे बचने के लिए एकमात्र साधन है वह है भगवान श्याम सुंदर की कथा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।